नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2022 की सुप्रभात आप सभी को। नया वर्ष, नया दिन और नया महीना शुरू करते हैं आज नई उमंगों के साथ, नई किरणों के साथ, नई उम्मीदों की किरणों के साथ आज के दिन को। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी बेहतरीन होगा और आप अपनी तैयारी में लगातार संघर्ष कर रहे होंगे। आपको नहीं पता होगा कि कैसे दिन निकल रहे हैं, कैसे जो कि रातें निकल रही हैं। आप लगातार अपनी तैयारी में जुटे हुए, मुझे ये पूर्ण उम्मीद है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत में कमी जरूर रहेगी। चले दोस्तों, आज मुद्दे पर बात करते हैं। वैसे मुद्दा यही रहेगा कि आप 2022 में कैसे तैयारी करें और अपने 2022 में खुद को खुशियां लानी होगी, खुद को सफलता प्राप्त करनी होगी। 2022 आपको कतई लाके नहीं देगा, तो आपको खुद को हटकर कुछ करना होगा, भीड़ से अलग रहकर कुछ करना होगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स या फिर कुछ सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि आप कैसे क्या करें, कैसे नहीं करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, अपनी स्टडी को स्मार्ट कैसे बनाना है। सर, ऑनलाइन क्लासेस से? अरे नहीं भैया, आपको अपनी स्टडी को दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस से हटकर बनानी होगी। अपनी सेल्फ स्टडी को ज्यादा समय देना होगा, अपनी किताबों से प्रेम करना होगा। दोस्तों, सबसे पहला सजेशन मेरा यही रहेगा आपके लिए कि आप अपनी किताबों से प्रेम करिए। जो भी किताबें लेकर आए हो उस किताबों को पढ़े, चाहे आप कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किताबों को पढ़े। ऑनलाइन क्लास को बिल्कुल कम समय दे, मिनिमम या मैक्सिमम मान लीजिएगा 2 घंटे, इससे ज्यादा कतई ना दे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी आंखों पर भी प्रभाव डालती है और वो आपको मैटर नहीं मिलेगा जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आप एग्जाम में एग्जाम को पास करना चाहते हो, जिस मैटर से, वो कंटेंट आपको ऑनलाइन स्टडी में नहीं मिलेगा। बहुत सारे जो है अपने चैनल चलाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो कि आपके अनुसार वो नहीं होते। आप अपने टॉपिक वाइज पढ़िए, आप थ्योरेटिकल पढ़िए, आप फैशन एमसीक्यूज पढ़िए, तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर एमसीक्यूज पढ़ेंगे, वहां तो आपको थ्योरी क्या कहे उसको एमसीक्यू ही मिलेगी आपको ऑनलाइन में। तो आपको अपने हिसाब से किताबों को ज्यादा समय देना है, ये मेरे ख्याल से मैं आपको बता रहा हूं, और ऑनलाइन स्टडी को बहुत कम समय देना है। अपना डेली रूटीन बना लीजिए मॉर्निंग में कि भाई मुझे इतने जल्दी उठना है और 2022 में शुरू में नहीं, बीच में नहीं, तो एंड तक जरूर मुझे कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी और लेनी है। हाँ, ये एक अलग बात हो जाएगी कि गवर्नमेंट किसी आपका एग्जाम ही लेट करवाए या फिर 2-2 साल नहीं करवाए, ऐसा हो तो वो अलग बात है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हर भर्ती का शेड्यूल जल्दी जल्दी से जारी किया जा रहा है, सुबह का, दिन का, शाम के टाइम का, जो भी आपका टाइम शेड्यूल रहे, जो स्टडी का टाइम शेड्यूल बना रहेगा ना, तभी आपकी स्टडी हो पाएगी। देखिए, फिक्स कर लीजिए कि आज मुझे 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। कल आपको कोई काम हो गया, देखिए काम जीवन है भाई साहब, लाइफ है, काम सबको होता रहता है, तो अगर आपको कल कोई काम हो गया तो आप कल की स्टडी जो रह गई ना, जैसे कि कल आपको 4 घंटे हुई है, तो उसको 2 घंटे और उससे अगले दिन के लिए ऐड कर लीजिएगा, अगले दिन 8 घंटे कर लीजिए, ऐसे ही आपकी स्टडी हो पाएगी। अन्यथा आपने आज 2 घंटे पढ़ा, कल 3 या फिर परसों जो है वापस कुछ नहीं पढ़ा, ये आपका शेड्यूल नहीं रहेगा सही से, मतलब कि एक ऑनेस्ट शेड्यूल कभी नहीं हो सकता। और दोस्तों, जो आप बुक लेकर आए, जैसे कि आप एक बुक लेकर आ गए, कोई भी मान ली, सपोज करिए पेनोरमा के लिए आए या लक्ष्य के लिए आए या चेतक के लिए आए या कोई भी ले आए, उत्कर्ष के लिए आए, जो भी, एक ही बुक लाई, एक बुक ले आए, भले आपके पास उसकी 10 बुक हो, एक ही मैटर थी, लेकिन आप पढ़ना एक ही, एक को आप 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, आपके पास खूब सारा समय है, 10 बार पढ़ लो भैया, उसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बुकें पढ़ेंगे, आपके पास खूब सारा समय है ना कि भाई मेरे पास 5 साल पढ़े हैं, मुझे आराम से पढ़ना, तो बहुत सारी बुकें पढ़ सकते हो आप, बिल्कुल पढ़ सकते हो, उसमें से कंटेंट खोज के निकाल सकते हो जो जो महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके पास समय कम है, 6 महीने ही रहे हैं या 12 महीने या 1.5 साल ही है, एक बुक को बहुत बार पढ़ लो। ये तो है नहीं कि एक ही सब्जेक्ट से आपको क्लियर करना, नहीं साहब, आजकल हर एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट जो है जोड़ के आते हैं। आजकल कंप्यूटर भी आती है, विज्ञान भी आती है, जीके भी आती है, रीजनिंग,
मतलब मैं आपको क्या कहूँ, मैथ्स है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट, हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारे सब्जेक्ट मिक्स भी आते हैं हर एग्जाम में, तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो एक ही बुक से पढ़िए आप, वो बुक आपको फायदा ही देगी, कभी नुकसान नहीं देगी। और कोई दोस्तों, जैसे कि मुझे जहां तक याद आएगा, मैं इस बार आपको जरूर सजेशन देता रहूंगा, जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी, आप लोग कमेंट किया करें कि सर मुझे क्या क्या, आपको स्टडी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो मुझे कमेंट करें आप, मैं आपको जरूर, मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपको जरूर सजेशन देना चाहूंगा। और दोस्तों 2021 में तीन चार, लगभग पांच भाई बहनों का सिलेक्शन जरूर हुआ है, किसी का वो भी छोटी छोटी, जैसे कि कोई कोई अलग अलग विभाग में हुआ, दो दो पोस्ट है थी वैसे में, बाकी भीड़ वाले में जैसे बीएसटीसी पीटीटी में अपने खूब सारे सिलेक्शन दिए वैसे, लेकिन जो गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए जो सिलेक्शन हुए, पांच सिलेक्शन जरूर हुए, मेरे पास उनके मैसेज भी है, उनके नंबर भी है वैसे। तो इस बार उम्मीद ये करूंगा, अब नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा, आपको इस बार सक्सेस लेनी है, और यही आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आपको, कि आप इस माह, इस वर्ष में भले ही बीच में करो या फिर लास्ट तक, आपको बड़ी कड़ी और संघर्ष करते हुए, बड़ी मेहनत करते हुए सफलता हासिल करनी है। ऐसे नहीं कि हम बैठे बैठे तुक्के से आपका नंबर आ जाएगा, वो अब नहीं होता, वो पहले हुआ करता था जब भीड़ नहीं हुआ करती थी, भीड़ नहीं हुआ करती थी, आजकल ऐसा नहीं है। ये दिमाग से निकाल लीजिए कि तुक्के लगा के आ जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, हो जाएगा, वो कतई नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो देख सकते हो, आई मीन पांच सात वीडियो देख सकते हो, कि कोई ना कोई समझा सके अच्छे से, ठीक है। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो आप उसको जरूर से जरूर देख सकते हैं, लेकिन अपनी स्टडी में मोबाइल की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये चीजें पसंद आई होगी, ये बातें बिल्कुल दिल पे लगी होगी कि हमें किस प्रकार मेहनत करनी चाहिए। और हां, मेहनत हमेशा सुबह सुबह अपने माता पिता के बारे में सोचकर, विचार करके जरूर करना, आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। या फिर मैं कह लूं, उनके सपनों के बारे में जरूर विचार करना, कि मेरे माता पिता का मेरे बारे में, मेरे सपने के बारे में उनके मन में क्या विचार है, जरूर सक्सेस होंगे। कड़ी मेहनत होगी, कड़ी से कड़ी आपसे मेहनत होगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ये 2022 कैलेंडर वर्ष आपके लिए ढेरों सारी खुशियां लेकर आए, और खुशियां तभी आएगी जब आपको सफलता मिलेगी, और सफलता आपको अवश्य मिलेगी अगर आपका संघर्ष जारी है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।